Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो. Breeze Cement Solid Technology ले बन्छ Solid Cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरे अभिवादन. आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है. आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से. आपकी पंक्तियां लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी. कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी. अब आगे आज का अतिथि से बातचीत. पिछला हफ्ते डॉक्टर मोहित गुप्ता जी से बातचीत कर रहा था. समय अभाव के कारण से पूरी बातचीत आप लोगों ने दिखा को नहीं पाया था. वो बातचीत को बाकी को अंश आज दिखाने जा रहा. अध्यात्म से एक डॉक्टर का क्या नाता, क्या संबंध? एक्चुअल में इंसान बीमार होता क्यों है, या यूं कहूं बीमारियों से माइंड का क्या संबंध है? आध्यात्मिक चिंतन और अच्छे संस्कार के लिए ब्रेन किस उम्र में आकर तैयार हो जाता है? मेडिकल साइंस के हिसाब से सेक्सुअल रिलेशनशिप भी शरीर की आवश्यकता है. दूसरी तरफ ब्रह्मा कुमारी में इससे दूर रहने को कहा जाता है. आप एक ब्रह्मा कुमार भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं. आप बताइए क्या सही है? इंसान जो है आत्महत्या क्यों करता है? मेडिकली और स्पिरिचुअली उसके बॉडी में और माइंड में क्या चेंज आता है उस समय में जब वो डिसीजन लेता है फॉर द सुसाइड और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है? कोई भी व्यक्ति जब एक्सट्रीम स्टेप लेने को बाध्य हो जाता है तो उस चीज़ को उसकी शक्ति नहीं कहेंगे, उस चीज़ को उसकी एक्सट्रीम लेवल ऑफ वीकनेस कहेंगे. तो बहुत जब व्यक्ति क्षीण होता है, बहुत जब वीक हो जाता है. अब वीक कोई हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई डिजीज़ के कारण केवल नहीं हो सकता. हो सकता है डिजीज़ भी होगी तो वो उसको मानसिक रूप से डिजीज़ करती है. तो आत्महत्या के साथ मानसिक इम्बैलेंस और मानसिक वीकनेस ऑटोमेटिकली 100% एसोसिएट होती है. अब वो 100% एसोसिएशन किस चीज़ की हो सकती है? मल्टीपल न्यूमरस फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है फियर. यानी कोई बहुत गलत कर्म किया है, बहुत गलत चीज़ की है जो उसका स्वाभाविक नेचर नहीं था, उसको एक्सट्रीम लेवल ऑफ फियर आता है और उस फियर के साथ उस व्यक्ति को गिल्ट आ जाता है कि कोई मुझे कर ना दे, कोई मुझे इस चीज़ में पकड़ ना ले, और वो एक्सट्रीम स्टेप लेने में बाध्य हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसका मन उसको वो कन्फेस करने के लिए, उसको वो अपने जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए शक्ति उसको नहीं दे पाता. दूसरी चीज़ इनेबिलिटी टू फेस दी सिचुएशन. घर के अंदर सब सिचुएशंस को देखते हैं, हम देखते हैं आजकल लाखों किसान भी जो हैं उस चीज़ को ले रहे हैं. कई खेती अपने घर बार के अंदर बच्चों को फीड नहीं कर पाते तो भी वो स्टेप लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं. इसी तरह कोई बीमारी के कारण ले जाते हैं. लेकिन हर चीज़ के साथ हमारी मन की शक्ति, मानसिक शक्ति बहुत लोअर लेवल पे आ जाती है. तो जब हमारे मन की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हमारा मन बहुत वीक हो जाता है, हम अपनी बात को किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम अपने मन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते. वीकनेस बहुत लोगों में भी आती है लेकिन वो फिर भी उसको धक्का देकर नहीं करना है, सामना करना है. कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी एनर्जी बचेगी 5-10%, उससे वो अपनी गाड़ी को आगे करते रहते हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन की लैक, रिपेंटेंस की लैक, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम गिल्ट, फियर, डर जो हमारे अंदर आता है और घृणा भाव जो हमारे अंदर आ जाता है वो हमको ये स्टेप लेने के लिए मजबूर कर देता है. कार्डियक जो प्रॉब्लम्स आती है आध्यात्मिक रूप से क्या उसको ठीक किया जा सकता है? कार्डियक प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको आध्यात्मिक रूप से सिग्निफिकेंट रूप से ठीक किया जा सकता है. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्ट अटैक जो होता है वो किसी सदमे से होता है कहा जाता है, किसी इन नॉर्मल केसेस. लेकिन जो सदमा लगता है वो तो
किसी न किसी के द्वारा कुछ न कही गई बातों से या किए गए कुछ एक्ट से लगता है, तो उसको टॉलरेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? दो चीज़ें इसमें समझनी होगी कि जो हार्ट अटैक है, सदमा जो होता है वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन हर हार्ट अटैक सदमे की वजह से हो ये कहना ठीक नहीं होगा। अगर मैं आपको साइंटिफिक शोध के रूप से बताना चाहूँ तो नंबर वन और नंबर टू रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट अटैक के लिए हैं वो माने गए हैं डायबिटीज़ और दूसरा है स्मोकिंग, डायबिटीज़ एंड स्मोकिंग। और साइंस आज प्रूव कर चुकी है कि आफ्टर ये दो जो रिस्क फैक्टर हैं इसके बाद सदमा, जिसको एंगर और साइकोसोशल स्ट्रेस जो है वो नंबर थर्ड रिस्क फैक्टर माना गया है हार्ट अटैक के लिए, जिसको हम लोग स्ट्रेस का एक आम रूप भी दे सकते हैं। तो शुगर को प्रॉपर रूप से कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है नंबर वन। स्मोकिंग कोई ऑप्शन नहीं है, अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई व्यक्ति तंबाकू किसी भी प्रकार से करता है तो वो आप समझिए कि वो सुसाइड करने की तरफ बढ़ जा रहा है। कोई इसका ऑप्शन नहीं है कि हम कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि मुझे पेट की बीमारी रहती है इसलिए मैं करता हूँ, इसको तुरंत और अभी छोड़ देना चाहिए। और जिस मोमेंट आप छोड़ेंगे उसी समय आपको बेनिफिट मिलना आरंभ हो जाएगा। लेकिन जो तनाव है वो तनाव दूसरा व्यक्ति अक्सर देता है, इस चीज़ को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। क्या आप समझते हैं कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा ही हमें देता है? अब आप खुद देखें कि जो मन मेरा है उसकी खुशी मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं खुश रह सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं उदास हो सकता हूँ। अगर मैं कपड़ा अच्छा पहनता हूँ तो उस अच्छे कपड़े को पहनने के लिए मैं दूसरे व्यक्तियों से हैप्पीनेस सीख करता हूँ या उनका अप्रूवल सीख करता हूँ। आज के मानव के अंदर अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर आ गया है कि दूसरा व्यक्ति जब मुझे अप्रूव करेगा तो मेरे को खुशी आएगी, या दूसरा व्यक्ति जब मुझे कहेगा कि तूने गलत किया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो यानी मेरी खुशी और मेरी शांति का जो रिमोट कंट्रोल है दूसरे के हाथ में, आज हर क्षण मैंने दूसरे को दे रखा है। कि ये तो इस तरह हुआ कि रूम में मैं रहता हूँ, एयर कंडीशनर मेरा है लेकिन रिमोट कंट्रोल बाहर वाला है। कि तुम अंदर बैठे हो, मैंने कहा कि गर्म में रहो, चाहे गर्मी का मौसम है तो गर्मी में मैं झेलता रहूंगा, ये गलत हो जाएगा ना। तो आज के मानव को अगर इन स्ट्रेस को ख़त्म करना है तो अपने थॉट प्रोसेस से ये चीज़ हटाना होगा कि मेरी प्रॉब्लम्स का कारण दूसरा है, नहीं, मेरी प्रॉब्लम्स का कारण 100% कौन है? मैं खुद हूँ। क्योंकि दूसरे व्यक्ति के पास जो है वो मुझे दे रहा है, लेकिन बाय चॉइस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, आप लेंगे तो वो आपका होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं इस गिफ्ट को आप अपने पास रखिए चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, तो वो गिफ्ट किसके पास आ जाएगा? वापस आ जाएगा। और इस चीज़ को करने के लिए हमें अपने आप को बहुत मेंटली एम्पावर करना होता है, जिसके लिए हमारी मेडिटेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो हमको हेल्प करती है। आजकल देखा जा रहा है छोटी उम्र से ही कार्डिक प्रॉब्लम बहुत आने लगी है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हमने पहले भी बात किया कि बच्चों के अंदर और फैमिलीज़ के अंदर डिस्कॉर्डेंस को आ जाना। जैसे जैसे बच्चों के हम लोग ओवर एक्सपोजर, जैसे आप नेगेटिव बिहेवियर, आप जो भी सेक्सुअलिटी की बात कर रहे थे, आप देखेंगे जिसको हम कहते हैं बहुत जल्दी आजकल के बच्चे इन आदतों की तरफ जा रहे हैं, स्मोकिंग की तरफ आप देखेंगे, डायबिटीज़ की तरफ आप देखेंगे और ऐसे एडवर्स बिहेवियर्स की तरफ आप देखेंगे, ओवर एबनॉर्मल एक्सपोजर जिसको मैं कहता हूँ, ओवर एंड एबनॉर्मल एक्सपोजर, क्योंकि ये विकार हैं तो इनके साथ नेगेटिविटीज एसोसिएट होती हैं। जहाँ ये चीज़ होती है वहाँ हमारे क्रोध बहुत होगा, जब पूर्ण नहीं होगी, जब हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो वो किस तरह एक्सप्रेस होगी? एंगर के रूप में होगी। एंगर मैंने आपको बताया थर्ड रिस्क फैक्टर आ जाएगा, इसी तरह स्मोकिंग होगा, ये भी रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस है, ये रिस्क फैक्टर। और आप जानकर हैरान होंगे कि आजकल अगर मैं 100 केस हार्ट के ऑपरेट करता हूँ जिनकी एंजियोप्लास्टी करता हूँ, उनमें से 15-20 केस ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, 20 वर्ष 22 वर्ष 23 वर्ष। क्यों? क्योंकि केवल उनको, चलिए डायबिटीज़ भी नहीं है, उनको शुगर भी नहीं है, उनको स्मोकिंग भी नहीं करते, लेकिन मैरिटल डिस्कॉर्डेंस उनको है, मैरिज का इतना स्ट्रेस है कि आपस में साथ नहीं रह सकते। तो हमारा स्ट्रेस भी हर प्रकार का, फैमिलीज के अंदर, बच्चे माँ बाप के अंदर डिस्कॉर्डेंस है, तो बच्चा छोड़कर गुस्से के अंदर वो जो प्लाक है, वो जो अंदर एथरोस्क्लेरोसिस है, वो जो अंदर चर्बी का जमना है, वो एक्सेस बढ़ता जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो बीमारी एक एपिडेमिक का रूप ले चुकी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ये सिचुएशंस पे नहीं है,
ये हर व्यक्ति के अंदर है, हर फैमिली के अंदर है। तो आज बहुत आवश्यक है कि हम दूसरे बच्चों को या और बाहर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग बैठें, अपने परिवार के अंदर बैठें और बच्चों के साथ बैठकर केवल एक ही चीज़ करें, उनकी बात को सुने, और उसको सुनने के लिए केवल एक चीज करेंगे ना, एक समय का भोजन साथ खाएं। साथ में करें। करते हैं आज हम लोग? नहीं करते, नहीं करते। बच्चा सवेरे अलग खा रहा है, माँ बाप अलग खा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, माँ बाप कब आते हैं, बच्चे कब आते हैं, माँ को कुक करने का समय ही नहीं है। पहले समय होता था कि माँ कुक करती थी, उसके अंदर प्यार डालती थी अपना, बच्चों की बात सुनती थी, प्यार से खिलाती थी, बाप बैठते थे, लड़ाई भी होती थी, ऐसा नहीं उस समय नहीं होती थी, आर्ग्यूमेंट भी होता था, लेकिन एक दूसरे का इमोशनल शेयरिंग होता था। और जब ये खत्म हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये जनरेशन गैप हो गया है। ये जनरेशन गैप कुछ नहीं है, ये कम्युनिकेशन गैप है। डॉक्टर साहब, एक तरफ खाना शरीर की ज़रूरत है और दूसरी तरफ खाना ही बीमारियों की जड़ है, ये भी कहते हैं। अब ये बताइए कि शरीर की ज़रूरत भी पूरी हो और बीमारी भी ना लगे, इसका उपाय क्या? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है। और अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि फूड जो है, खाना जो है, इट इज़ मोर पावरफुल देन एनी वेट रिड्यूसिंग पिल। आप कोई भी गोली दें, वो उस गोली से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल है, जो आपको मोटा भी कर सकता है, आपको पतला भी कर सकता है, आपको बीमार भी कर सकता है, आपको स्वस्थ भी कर सकता है। तो हम लोग जो हार्ट के अंदर कहते हैं, हम कहते हैं इसको स्मार्ट हार्ट डाइट, स्मार्ट हार्ट डाइट। खाना खाना ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना भी ज़रूरी है, लेकिन दो चीज़ें उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कि भोजन सही मात्रा में भी खाएं और क्वालिटी भोजन भी खाएं। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वालिटी भोजन नहीं करते, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और वो हमको अस्वस्थ कर देता है। इसके लिए जो हमारा भोजन मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट होना चाहिए, वो प्रॉपर और हैवी होना चाहिए। जैसे जैसे दिन जाता जाता है, भोजन की मात्रा कम हो जानी चाहिए। और रात को हमें, जैसे कहते हैं कि ईट लाइक अ बेगर और मॉर्निंग के अंदर ईट लाइक अ किंग, तो ये चीज़ सबसे पहली सब लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, रात को 10 बजे के बाद, 9 से 10 बजे के बाद कोई भी भोजन अगर हम लोग करते हैं तो वो जहर का काम करता है। ये सब लोगों को, सब दर्शकों को समझना चाहिए कि जितना लेट हम भोजन करेंगे उतनी पाचन क्रिया कम हो जाएगी और उतना हमारी डिजीज़ का बढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब तीसरी चीज़ आती है कि क्या चीज़ हमको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए और किस तरह हमको उसे पचाना चाहिए या किस प्रकार का ऑयल हमको यूज़ करना चाहिए। खाने के अंदर फलों की मात्रा और वेजिटेबल्स की मात्रा मैक्सिमम होनी चाहिए। फलों की मात्रा कम से कम 3 से 4 सर्विंग्स हमको दिन के अंदर लेनी चाहिए। फल और वेजिटेबल्स को, जो सैलेड्स होती हैं और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, हमें भोजन से हमेशा पहले लेना चाहिए। कई बारी लोग गलती करते हैं कि भोजन को और फ्रूट के बाद ही वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, ये ठीक नहीं होता। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले लिया जाए डायबिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो वो बेटर रहेंगे। और आधे घंटे का गैप हो, पौने घंटे का, तो और भी बेहतर है। नहीं भी है तो साथ ले सकते हैं, लेकिन पहले उसे ग्रहण करें। कि जब आप पानी भी ग्रहण करते हैं, पानी को भी हम लोग योग की दृष्टि देते हैं, क्योंकि जापान में एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये प्रूव किया जा चुका है कि जब आप पानी जैसी चीज़ को भी जब आप योग की दृष्टि देते हैं, जब आप उसको एनर्जी देते हैं, तो उसके जो डिसऑर्गेनाइज्ड क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज होकर एक बहुत सुंदर रूप ले लेते हैं। और वो पानी जो होता है वो आपको शक्ति और एनर्जी नॉर्मल पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा देता है। दिस इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन। तो भोजन करिए, मैंने बहुत संक्षेप में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन भोजन करिए, लेकिन सब चीज़ों को उसको देखकर, उसको शक्ति देकर, उसको आध्यात्मिक दृष्टि देकर, मेडिटेशन की एनर्जी देकर, बहुत इंपॉर्टेंट आप उसको ग्रहण करें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, हाल त्रिभुवन विमानस्थल रहेको स्थानलाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो? अप्सन ए गौशाला, अप्सन बी फुटबल मैदान, अप्सन सी गौचरण र अप्सन डी क्रिकेट मैदान। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। कलर्स मोबाइल ब्राइट P5 प्रत्येक दुई हप्तामा एक जनालाई, सीजीको फ्यान हिटर प्रत्येक महिना एक जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ।
brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो. Breeze Cement Solid Technology ले बन्सा Solid Cement. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है. अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी से. आओ ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा. एक चीज ये भी मैंने सुना है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज मेड ओनली फॉर द वेजिटेरियन फूड. इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली राइट. ये आपने कहाँ से बात सुनी है, मैं आपसे आपके समक्ष रखना ही चाह रहा था कि हमारी ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर ट्यून्ड टू बी वेजिटेरियन. और दैट इज वाई आप देखेंगे कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल नाउ दे आर टेकिंग ओवर टू वेजिटेरियनिज्म. अब आप एलिफेंट को ही देख लीजिए, हाथी को ही देखिए, इट्स अ प्योर वेजिटेरियन एनिमल. अब ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर शक्ति की कमी आ जाती है किसी चीज़ की. तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये केवल हमारा स्पाइसी जो नेचर है, क्योंकि मीट की कोई अपना टेस्ट नहीं होता. आप उसके अंदर केमिकल्स डाल के, उसके अंदर सॉसेस डाल के, उसके अंदर मसाले डाल के आप उसको टेस्टी बनाकर और कोशिश करके आप सोचिए, आपके सामने एक जस्ट इमेजिन कि वो डेड बॉडी जिसको पील ऑफ कर दिया गया है, उसकी स्किन को हटा दिया गया है. इसी तरह अगर हम कल ह्यूमन बींग्स को भी खाना आरंभ कर दें, उनकी बॉडी हटाकर, उनमें तो बहुत प्रोटीन्स हैं, उसको हम ग्रहण करना चालू करें, ये कहाँ तक सत्य है. लेकिन मैं बीच में आपकी एक बात काटूंगा कि नॉर्मली हमने ये भी देखा है डॉक्टर्स को बोलते हुए कि सिंस आप वेजिटेरियन है तो आप में विटामिन B12 की कमी होगी. ये काफ़ी हद तक सही बात है भी, लेकिन उसके सप्लीमेंट्स जो होते हैं दूध के रूप में, हरी वेजिटेबल्स के रूप में, वो इक्वल सप्लीमेंट्स होते हैं, वो हम लोग ले सकते हैं. मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हर वेजिटेरियन को विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी, नहीं. ये हमारी डाइट के बैलेंसिंग पे भी डिपेंड करता है. और ये भी कहना गलत होगा कि हर वेजिटेरियन को सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. देयर आर सो मेनी नेचुरल सोर्सेज ऑल्सो जिसके द्वारा हम इस कमी को पूर्ण कर सकते हैं. अब हमारा ये कार्यक्रम का समय करीब करीब पूरा होने को आ रहा है. एज अ डॉक्टर, एज अ स्पिरिचुअल स्पीकर, हमारे यूथ्स को क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, युवा शक्ति जो है वो आज किसी भी देश की नहीं, आपके ही नहीं, हमारे ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है. और युवा मैं कहूँगा कि उम्र से युवा नहीं, आप भी युवा हैं. मैं समझता हूँ जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड जो है प्योर है, अगर शक्तिशाली है, तो हम सब लोग युवा हैं. तो जो मैसेज दूंगा मैं सबके लिए दूंगा कि अपनी शक्ति को, जो इतनी शक्ति परमात्मा ने आज हमें दी है, उसको डायरेक्शन प्रॉपर दीजिए. जब डायरेक्शन हमारे थॉट्स को, हमारे विचार को सही दिशा नहीं मिलेगा, सही दिशा निर्देश नहीं मिलेगा, तो हमारी शक्ति गलत हो जाती है और हम लोग नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स के साथ हम लोग लग जाते हैं. आपका ही देश नहीं, संपूर्ण विश्व की जो पूंजी, जो युवा शक्ति है, अगर हम लोग अपने सकारात्मक शक्ति के द्वारा इस विश्व के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हम ला सकते हैं. लेकिन हर युवा को आज सबसे पहले अपने मन के अंदर सकारात्मक थॉट्स को और सकारात्मक एनर्जी को स्थान देना होगा. डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव एनर्जी को अपने मन से हटाना होगा. आध्यात्मिक शक्ति को अपने अंदर लाना होगा. लोकस ऑफ कंट्रोल, फोकस ऑफ कंट्रोल बाहर मत जाने दीजिए. उस फोकस ऑफ कंट्रोल को अपने मन के अंदर रखिए और पॉजिटिव रखिए. जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यू विल बी द लीडर इन दिस वर्ल्ड. और आप सभी लोग कर सकते हैं. और जो ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी नेगेटिविटी सब जगह हम फैली देखते हैं, आप ही लोग हैं जो इसको पॉजिटिविटी में बदल पाएंगे. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने समय दिया. प्रश्न तो हमारे पास बहुत बाकी रह गए, फिर किसी दिन बैठेंगे. आज के लिए आपसे मैं विदा चाहूँगा. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद. दर्शक वृंद, अभी आपा बातचीत कर रहा था डॉक्टर मोहित गुप्ता जी से. प्रश्न तो बहुत था, लेकिन समय अभाव के कारण से पूरी बात को नहीं कर पाया. इना से फिर कभी बैठांगा और इना की बात पर आप लोग जरूर से गौर करोगा. इतनो कहते हुए अब जाते जाते इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार. यो हप्ता को दर्शक प्रश्न. हाल त्रिभुवन विमानस्थल रहेको स्थानलाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो? अप्सन ए गौशाला, अप्सन बी फुटबल मैदान, अप्सन सी गौचरण र अप्सन डी क्रिकेट मैदान.
दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार कलर्स मोबाइल ब्राइट P5 प्रत्येक दुई हप्तामा एक जनालाई सिजीको फ्यान हिटर प्रत्येक महिना एक जनालाई विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा तब तक के लिए मनवी इजाजत दो और इस कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849923804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल @himalayatv.com पर और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो नमस्कार